आदित्य झा, लिए चलता हूं आपको आज के ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरू करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा का 4 दिवसीय बजट सत्र देर रात अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार ने न सिर्फ उत्तराखंड के स्वावलंबन के लिए बल्कि पीएम मोदी के विजन के लिए भी अनुरूप बजट पेश किया है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा है कि प्रदेश सहित और जनहित के अनेक विषयों पर सदन में दोनों दलों ने शांतिपूर्वक तरीके से चिंतन मनन भी किया है। वहीं नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि सरकार ने न सिर्फ खोखला बजट पेश किया है बल्कि 6 दिन का प्रस्तावित बजट सत्र को 4 दिन में खत्म कर दिया है। हम आपको बताते चलें कि 4 दिवसीय बजट सत्र की कार्यवाही 21 घंटे और 36 मिनट चली। भराड़ी सैन गहरी सैन में विधानसभा सत्र 21 घंटे 36 मिनट चला। इस दौरान हम लोगों को कुल प्राप्त अनुसूचित प्रश्न 25 थे, कुल तारांकित अतारांकित प्रश्न 576 थे, नियम 40/2 के अंतर्गत स्वीकार 2 थे, कुल योग 603 थे, अनुसूचित जो स्वीकार है वो 8 थे, तारांकित स्वीकार हुए वो 180 थे, अतारांकित स्वीकार हुए वो 380 थे, स्थगित 4, निरस्त 29, नियम 40/2 के अंतर्गत स्वीकार 2, कुल योग 603 था, उत्तरित 245। इसके अलावा हम लोगों ने 13 विधेयक पास किए, अध्यादेश 1 किया और याचिकाएं हमारे पास 8 आई, 300 की सूचनाएं करीबन 70 हमारे पास आई, नियम 53 में 44 सूचनाएं आई और नियम 58 में 18 सूचनाएं हमने हमारे पास पहुंची और जिनके हमने उत्तर दिए। इस बार हमने प्रयास किया है कि जो बजट है ये बजट सभी वर्गों को कहीं ना कहीं अपने में समावेश करें, कहीं ना कहीं सभी वर्गों का बजट हो। ये स्पेसिफिक बजट इस मायने में है कि इसमें हमने कोशिश की है कि स्वरोजगार बड़ी संख्या में खड़ा हो और हर विभाग अपने अपने स्तर पर मजबूती से अपने पैरों पर खड़े हो और सरकार सारी व्यवस्थाएं करेगी जिससे कि सरकार राज्य का जितना पोटेंशियल है, राज्य के अंदर जिस क्षेत्र में भी जो भी हम राज्य के अंदर चीज़ों को ला सकते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, उन सभी का प्रयास किया है। विशेषकर से मातृशक्ति भी आ गए, भी आ गया है और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले और उनके लिए बड़ी धनराशि का इस बजट में हमने प्रावधान किया। महत्वपूर्ण सत्र बजट सत्र जिसे हम बोलते हैं आज उसका समापन हो गया है और सफल बजट सत्र रहा। मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष विधानसभा जी का, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का, माननीय नेता सदन का और तमाम मेरे मंत्रीगण के अपने सहयोगियों का, तमाम अपने विधायकों का और सभी विभागीय कर्मचारी अधिकारियों का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ जिनके सहयोग से ये हमारा बजट सत्र अच्छी तरह से संपन्न हुआ। सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है और इसलिए जो सत्र की अवधि पूर्व सरकार ने निर्धारित की थी 18 मार्च तक, अब इस सत्र को जो है 3 दिन के अंदर सिमटा दिया। 13 को तो राज्यपाल का अभिभाषण था तो उसको तो कुछ होना नहीं था, 14, 15 और 16 प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों को जो है हम इस बजट सत्र की अल्प अवधि में नहीं उठा पाए और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार जो है बजट की साथ साथ सत्र की अवधि बढ़ाने का काम। और आइए इस बारे में हम बात करते हैं संवाददाता अरुण मेठानी जी से। अरुण जी, मुझे एक बात बताइए कि जब सरकार कह रही है कि इसमें सबका साथ सबका विश्वास सबका उद्धार की बात सरकार कह रही है तो विपक्ष का यह कहना कि एक खोखला बजट है, ऐसा क्यों? अरुण जी,
सबका साथ सबका विश्वास सबका उद्धार की बात कर रही है सरकार कि बजट सत्र में ये सब सबका होगा अच्छा होगा। बजट का विपक्ष का ये कहना कि भाई ये जो बजट बना है वो खोखला है, ऐसा क्यों? जी मैं बता दूं कि 13 से और 18 तक जो 13 मार्च से और 18 मार्च तक जो बजट सत्र प्रस्तावित था, इस बजट सत्र का जो 21 घंटे और 36 मिनट कुल ये सत्र चला है और 13 से और 16 की रात्रि लगभग 10:15 बजे सत्र समाप्त हो गया था। तो कांग्रेस का ये कहना है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि सरकार का कहना है कि उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे वो वन अधिनियम हो, चाहे ग्राम्य विकास हो, चाहे उद्यान हो, चाहे कृषि हो, इन सबके लिए जो बजट एक निर्धारण किया है उसमें सभी को साथ लेकर के चलने की बात कही है और खास तौर से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जो उद्यान और कृषि और पशुपालन इनको अलग से जो बजट तय किया है और चिकित्सा और स्वास्थ्य के मामले में हमने जब डॉक्टर धन सिंह रावत जी से बात की तो उन्होंने कहा इस बार हमने चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए विद्यालयों में जो इंटरनेट हो या विद्यालयों का एक क्लस्टर बना करके जिसमें मेधावी छात्रों को पढ़ाने की बात हो या फिर हम पॉलिटेक्निक में जो तकनीकी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को स्वरोजगार से और रोजगार से जोड़ने की बात हो, तो उनका ये कहना है, सरकार के लोगों का ये कहना है कि ये बजट सर्वग्राही और समावेशी है और खास तौर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ। अरुण जी, जब इतनी योजनाएं की बात कर रही है सरकार, इतनी योजनाएं ला रहा है सरकार, नए नए आप बता रहे हैं कि सबका साथ सबका विश्वास सबका उद्धार हो रहा है, तो आप तो वहां पे हैं, आप बात कर रहे हैं लोगों से, तो ये क्यों कह रहा है विपक्ष की नहीं ये योजनाएं जो है ये खोखली है, इससे कुछ हेल्प नहीं होगा लोगों को? देखिए, बजट हर वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया जाता है और कहीं ना कहीं जो विभागीय ढांचा है सरकार का उसके लिए बजट मिलता ही है, लेकिन कांग्रेस ज्यादा एक तो कानून व्यवस्था को लेकर के, दूसरा जो अभी युवाओं पर लाठी चार्ज हुआ, नकल जो अभी तमाम जो परीक्षाएं पेपर लीक हुए हैं, इस तरह के उदाहरण दे करके, उसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था है, अंकिता भंडारी वाला जो हत्याकांड हुआ है, इस तरह के मामलों को लेकर के लगातार सरकार पर सवाल दागती रही है। उनका कहना है कि सरकार ने बेरोजगारों के लिए कोई खास योजनाएं ऐसी नहीं दी हैं जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और पहाड़ से पलायन रुक सके। हालांकि जब सरकार के लोगों से इस तरह की बात होती है तो वो उदाहरण देकर के बताते हैं कि हमने ये भी किया है, ये भी किया है। दूसरी बात, सरकार तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर को छूते हुए उनका जो बजट में जो चर्चा हुई, चर्चा के दौरान या फिर बजट पेश करते हुए या राज्यपाल के अभिभाषण में, सभी प्रकार से सरकार ने ये दिखाया कि हम जनता के साथ खड़े हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की कल्पना है, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को जो सरकारी सेवाओं का लाभ मिले वो उस आधार पर चल रहे हैं और मोदी जी का जो मूल मंत्र सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये जो मूल मंत्र है, इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बजट पेश किया है, उनका ये कहना। अरुण जी धन्यवाद, आपने बताया, महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप वहां पे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। खर्चा? बच्चे का जन्म और दो रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना। एक बार निवेश करें और लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का आनंद लें। LIC की धन वर्षा के साथ एक सिंगल प्रीमियम प्लान आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। 44th इंडिया कारपेट एक्सपो 15-18 मार्च 2023।
एनएसआईसी एग्जीबिशन ग्राउंड ओखला न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विकासशील सोच से आज उत्तराखंड चहुमुखी विकास के अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा है। शहर ही नहीं, आज ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनी धामी सरकार की नीतियों और योजनाओं के सहारे हर गांव और ग्रामीण को मिल रहा है कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। सड़कों से पहुंच रही गांव तक विकास की बयार, धामी सरकार के अभिनव प्रयासों की पहल से आज हर गांव को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य पूरा हो रहा है। राज्य योजना के अंतर्गत 207 ग्रामीण मोटर मार्गों की स्वीकृत लागत 37,071.18 लाख की लागत से लगभग 336 किलोमीटर की सड़कों का कार्य पूरा कराया गया है, जिसमें 284 गांवों को जोड़ा गया। इन सड़कों ने 1,28,211 लोगों का जीवन बदल दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विभिन्न जनपदों के विकास के लिए की गई 43 घोषणाएं आवंटित की गई हैं, जिनमें से 35 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, जिसमें से कुल 16 घोषणाओं का निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है। आगामी 3 सालों के विजन प्लान के तहत नाबार्ड वित्त पोषित 22 योजनाओं के साथ राज्य पोषित एक योजना में प्रगति कार्यों का निर्माण कार्य पूरा करवाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 27 ग्रामीण मोटर मार्गों के वित्त पोषण हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। योजना के अंतर्गत 29 नए ग्रामीण मोटर मार्गों के सर्वेक्षण एवं DPR गठन हेतु आवश्यक धनराशि का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त वर्ष 2025 तक विभाग द्वारा तैयार किए गए डाटाबेस के अनुसार लगभग 50 ग्रामीण मोटर कार्यों का चयन कर उन्हें पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। आने वाले 8 वर्षों के विजन के तहत विभाग द्वारा तय किए गए डाटाबेस के अनुसार लगभग 1,784 ग्रामीण मोटर मार्गों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जा रहा है। धामी सरकार ने आने वाले 8 वर्षों में इन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इन मार्गों के निर्माण से लगभग 1,784 ग्रामों को जोड़ा जाएगा। सड़कों के बनने से लगभग 14,57,597 लोगों को लाभ मिलेगा। हर ग्रामीण बने समृद्ध, हर परिवार बने खुशहाल, गांवों तक पहुंच रही सड़कों से हर ग्रामीण को मिल रहा सम्मान। बाद आपका स्वागत है। उद्धम सिंह नगर के रुद्रपुर में जिला प्रशासन द्वारा नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी हम आपको बता दें कि डीडी चौक से लेकर इंदिरा चौक तक पुलिस ने अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। व्यापारियों के द्वारा अतिक्रमण हटाने के विरोध में पिछले 7 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। दर्शनकारियों को पुलिस ने में ले लिया है और पुलिस ने पूर्व विधायक की अगर बात करें तो पुलिस ने पूर्व विधायक जिनका नाम है राजकुमार ठुकराल, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा समेत कई लोगों को नजरबंद भी कर दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। बताया यह जा रहा है कि कार्रवाई के तहत 125 दुकानें हटाई जाएंगी। वहीं SP सिटी मनोज कात्याल ने बताया है कि यह प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले देहरादून में एक बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया था। और आइए ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं, हमारे संवाददाता हैं मुनेश चौहान जी। मुनेश जी मुझे एक बात बताइए, जब व्यापारियों को यह पता है, नोटिस दे दी गई थी, उन्हें बहुत अच्छे से भली भांति पता है कि अतिक्रमण को इसलिए यह जरूरी है क्योंकि पार्किंग की समस्या हो रही थी, क्योंकि गंदगी की बात हो रही थी, तो ऐसा क्या कारण है कि व्यापारी पीछे नहीं हट रहे? बिल्कुल, रुद्रपुर का ये मामला है जहाँ पे अतिक्रमण पहले से ही जो व्यापारी थे, व्यापारी को पहले से 7 दिन पहले से नोटिस दे दिए गए थे। लगातार व्यापारी 7 दिनों से इस बात का विरोध कर रहे थे। आज जब अतिक्रमण हटाने की जब आज कार्रवाई थी, आपको बता दें डीडी चौक से लेकर इंदिरा चौक तक ये कार्रवाई होनी थी, जिसके चलते हुए पूरे रुद्रपुर शहर में धारा 144 करी गई है। लगातार वही सुबह व्यापारी ने विरोध किया तो पूर्व विधायक राजकुमार ठगराल और व्यापार मंडल का अध्यक्ष समेत कई नेताओं को, कई व्यापारी मंडल को नजरबंदी किया है पुलिस ने। और उस समय भी इस समय बात करते हैं, इस समय भी कार्रवाई लगातार अतिक्रमण पर जारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हम आगे भी देखेंगे कि क्या चल रहा है। यहाँ सिंहटाली में गंगा नदी के प्रस्तावित मोटर पुल के निर्माण में शासन की ओर से की जा रही देरी को लेकर ढांगू विकास समिति के लोगों ने प्रदर्शन किया है। हम आपको बता दें कि समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी का कहना है कि सिंगटानी में मोटर पुल निर्माण के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पिछले
को शासनादेश जारी किया था। शासनादेश जारी होने के बाद भी लोक निर्माण विभाग श्रीनगर गढ़वाल इसकी डीपीआर तैयार नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कि इस मोटर पुल में बने जाने से पौड़ी जिले के 7 विकास खंड के 1000 गांव को फायदा मिलेगा। और वहीं हरिद्वार पुलिस ने लूटपाट करने वाले सपेरा गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। आपको बता दें कि आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में लूट और चोरी की ज्वेलरी और नकदी भी बरामद हुई है। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि इस गैंग के 3 सदस्य अभी भी फरार हैं। जल्द ही उनका भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि बदमाश को पकड़ने वाले पिता पुत्र को भी सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अलवापुर गांव में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 हथियारबंद बदमाश में से 1 बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था। पकड़े गए बदमाश ने ही सपेरे गैंग का खुलासा किया है। बदमाश थे क्योंकि पुराने अभ्यस्त पता चला, इनके बारे में काफी वारदात इन्होंने करी थी और उनसे भिड़ गए। तत्काली सूचना आसपास जब ग्रामीण भी इकट्ठा हुआ, पुलिस को भी सूचना मिल गई थी, तो मौके से एक अभियुक्त को पकड़ा गया था जो इनके द्वारा सहयोग करके उसको पकड़ा गया। बाद में पुलिस टीम द्वारा जब पूरे घटनास्थल और उसके निरीक्षण के बाद पूछताछ करी तो उसमें अन्य लोग के प्रकाश में आए, तो पता चला घोसीपुरा में सपेरों का एक गैंग है जो 7-8 लोग इसमें शामिल है और जो विभिन्न स्थानों पर इस तरह की लूट या महिला के कुंडल छीनना या किसी बंद मकान में चोरी कर लेना, दुकान के शटर तोड़ के कहीं छोटी मोटी चोरी कर लेना, लगातार इसमें लिप्त थे। इसमें पूर्व में भी मुकदमे हमारे लक्सर में दर्ज थे, तो कुल 7 घटनाओं का अनावरण हुआ। इसमें 4 लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं जो मुलजिम के बयानों के आधार पर और इन लोगों के, और इसमें सभी समस्त माल कुंडल हो चाहे घर के सामान चोरी के चांदी के हों, सभी कुछ बरामद कर लिया गया। इसमें 3 लोग अभी गैंग के फरार। देहरादून पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जी हम आपको बताना चाहेंगे कि 6 वर्षों से गैंगरेप व हत्या में फरार चल रहे आरोपी को देहरादून पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 6 साल पहले एक भयावह घटना को अंजाम दिया था। अपने दोस्त के साथ मिलकर उसने एक लड़की का गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उसकी पहचान छुपाने के लिए उसने उस लड़की का चेहरा तेजाब से भी जला दिया था। पुलिस ने मुखबिरी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। 25,000 का इनाम भी पुलिस द्वारा रखा गया था। छह साल से जो हमारा वांछित इनामी है उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें घटनाक्रम यह है कि 2017 में जो है कोतवाली मसूरी में एक गैंगरेप और 302 का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि एक महिला के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कारित की गई थी। इस संबंध में 9 अभियुक्तों के खिलाफ जो है चार्जशीट गई थी, जिसमें कि 7 की अरेस्टिंग अलग अलग टाइम पे हुई थी। इसमें से 2 अभियुक्त अभी भी वांछित चल रहे थे, उन्हीं में से एक बिट्टू साहनी को जो है कोतवाली मसूरी पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसको कि बिहार और नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया गया है। और इनके द्वारा काफी मेहनत करके जो है टीम ने जो है इसकी अरेस्टिंग की है। लगभग 6 साल बाद जो है इसको हमने गिरफ्तार। और वहीं उत्तराखंड में अपराधों पर काबू पाने के लिए लोगों के सत्यापन का कार्य चल रहा है। संज्ञान में बात कर लाई है, उसको हम देख रहे हैं। मैंने इंस्पेक्टर कोतवाली पटियाला से जानकारी की तो उन्होंने बताया कुछ लोग त्रिपुरा के यहाँ कुछ लेबर टाइप के कुछ लोग रह रहे हैं, उनके आधार कार्ड वगैरह सारे कार्ड, उनके आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, सब सारे कागजात हैं, तो दिखवा रहे हैं, हम उसको दिखवा रहे हैं। और ऐसे तो बहुत लोग रह रहे हैं उत्तराखंड में, बाहर के लोग सारे लेबर बिहार के हैं, आपके बाहरी प्रदेशों के हैं, दिखवा रहे हैं इसको। और जो भी कंप्लेंट मेरे संज्ञान बात आई है उसको हम किसी चीज़ के देख रहे हैं, और जो भी फिर तदनुसार जो भी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। और वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ क्यों? नहीं वो गांव में बुआ जी कहती थी कि सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए।
तुम तो करती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई। यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। एक बार निवेश करें और लाइफ कवर के साथ गारंटीड मैच्योरिटी का आनंद लें। LIC की धन वर्षा के साथ एक सिंगल प्रीमियम प्लान आपके परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बागेश्वर के मंडलसेरा वार्ड में जोशी गांव में एक बंद कमरे में 3 बच्चे सहित एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। शव मिलने की सूचना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हम आपको बता दें, जिसके बाद मकान मालिक और आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और कमरे का दरवाजा खोलकर शव पोस्टमार्टम के लिए उन्हें भेज दिया गया है। वहीं बच्चों के पिता मौके से फरार बताया जा रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। परिवार का मुखिया वो तो नहीं है, बाकी उस परिवार की उसकी महिला और उसके 3 बच्चे हैं और चारों मृत अवस्था में पाए गए हैं। पुलिस अपना पंचनामा और पोस्टमार्टम की आगे की कार्रवाई कर रही है और तफ्तीश में ही फिर पुलिस कोई इस बारे में क्या हुआ है उस बारे में बता पाए। और वहीं नैनीताल की नैली झील में बरेली से आई महिला ने मोड रोड लाइब्रेरी बोर्ड स्टेट के पास सुसाइड करने की कोशिश की है। वहीं झील में कूद कर राहगीरों ने महिला की जान बचाई और पुलिस को घटना की सूचना दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से पूछताछ की, जिसके बाद महिला ने यह बताया कि उसका तलाक हो चुका है, जिसके चलते वह मानसिक रूप से बहुत बीमार हो गई है। इसी वजह से महिला ने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने महिला के परिजनों को घटना की जानकारी दी। फिलहाल मामले की जाँच हो रही है। सर, रोड से गुजर रहे थे तो ये शायद तालाब में कूदी थी नीचे, जिनमें ये लाइब्रेरी के बोर्ड स्टैंड पे। ठीक, हमने आवाज सुनी नीचे की, कोई बचाओ बचाओ कह रहा था। मैंने देखा, फिर मैंने अपने साथ वाले को बुलाया, मैंने कहा कोई चिल्ला रहा वहाँ से, तो फिर हमने इसको, इन्होंने बोर्ड पकड़ी हुई थी नीचे तालाब में से, हमने इनको बचाया और फिर चिता जो अमिता है उनको फोन किया और वो आए और फिर उनको उनकी सहायता से हमने बचा लिया इनको। और वहीं हल्द्वानी में 2 दिवसीय शीतलाष्टमी पर्व के पहले दिन भजन सम्राट अनूप जलोटा ने अपनी प्रस्तुति से ऐसा समा बांधा कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस मौके पर अनूप जलोटा ने कहा कि कुमाऊं की वादियां बेहद शांत और सुंदर हैं। उन्होंने धर्म के नाम पर देश को बांटने वाले और राजनीति करने वाले को नसीहत देते हुए कहा है कि धर्म के नाम पर बांटना, खुद जो बांटेगा वो खुद ही मिट जाएगा। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा हो गई गोपाल जाने लगी। हमारा देश सनातन देश है और ये देश एक ऐसा देश है जो अपने धर्म की पूजा करता है और दूसरे के धर्म का आदर करता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक हर धर्म जाति के लोग हुए हैं। हमारे यहाँ सिख भी राष्ट्रपति हुए हैं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी हुए हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम राष्ट्रपति भी हुए हैं। हमारे यहाँ हर तरह के लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, किसी भी धर्म के लोग। तो हमारे यहाँ धर्म की, सब धर्मों की बहुत पूजा की जाती है, आदर किया जाता है। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। अब जब म्यूजिक की बात हो गई तो फिल्मों की भी बात रहे। नई दिल्ली में हिंदी फिल्म केदार का प्रीमियम शो रखा गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा, फिल्म के प्रोड्यूसर सुरेश पांडे, निर्देशक कमल मेहता, फिल्म के लेखक वरिष्ठ साहित्यकार हरि सुमन वष्ट, गीतकार सत्येंद्र फरीदियाल, फिल्म के मुख्य कलाकार देवाधामी और सुमन खंडूड़ी उपस्थित रहे। आपको बताना चाहेंगे कि फिल्म केदार एक आम उत्तराखंडी युवक की कहानी है, जो उत्तराखंड में रहकर ही कुछ बड़ा करने का सपना संजोकर गरीबी से जूझते हुए पहाड़ों में जवान हुआ है। फिल्म में इस पात्र को देवाधामी ने बखूबी निभाया भी है। मैं
उत्तराखंड का परिवेश है, मैं खुद उत्तराखंड से हूँ। मेरी पहली फिल्म आई थी छोलियार, जब मैंने बात करी थी संस्कृति की, और मेरे साथ मेरे फिल्म के डायरेक्टर कमल मेहता हैं। और ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि छोलियार में भी आप मेरे डायरेक्टर थे और आज भी हैं, तो ऐसा साथ, सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी अक्सर कहते हैं, वही हमारी फिल्मों में भी चलता है। और फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के खबरों के अलावा आप देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.samaylive.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, सहारा।